हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज है आपकी। चैप्टर 4 स्टार्ट कराने जा रहे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से समझ लो। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्यूब क्या होता है। क्यूब अगर आपका कोई नॉन जीरो नंबर है, कोई मतलब नंबर ऐसा है कि नॉन जीरो, इफ नंबर इज नॉन जीरो, ओके नॉन जीरो, देन नंबर किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, x मल्टीप्लाई x। अगर आपका नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ओके इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा कॉल्ड क्यूब। ओके अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ तो इसको बोलेंगे हम क्यूब। अब इसके बाद में आता है आपका परफेक्ट क्यूब क्या होता है। अगर कोई नंबर हमारा स्टेप से है, इसका एग्जांपल जैसे कि मान के चलो आपने लिया 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 8। ओके तो आपका जो 2 है, 2 का क्यूब अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूब ऑफ 2, तो आप क्या बताना होगा, 8, यानी कि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर। इस टाइप से आप इनको देखोगे कि भाई क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब का मींस क्या है। क्यूब का मतलब है किसी भी नंबर को प्रोडक्ट करने कर देना 3 times, ओके, या फिर पावर के फॉर्म में लिख देना, वो आपके क्यूब हो गए। नेक्स्ट आता है आपका परफेक्ट क्यूब। अगर कोई नंबर आपके पास है और वो लिखा हुआ है, जैसे कि आपका 27 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर इस 27 को हम n मान के चले हैं, अ नंबर ऐसे लिख लेते हैं, अ नंबर n इज परफेक्ट क्यूब, ओके, इफ देयर इज एन इंटीजर m इक्वल्स टू m such that n equals to m multiply m multiply m। इस टाइप से लिखे हों तो ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब जैसे कि 27 है, 27 को हम लिख रहे हैं 3 into 3 into 3, तो 3 3 9 9 3 27, इट मीन्स आपका 27 इज परफेक्ट क्यूब, ये आपका परफेक्ट क्यूब है। इसी टाइप से अगर आपसे बोला जाए कि क्यूब ऑफ ओड नंबर, किसी भी ओड नंबर का क्यूब हमेशा ओड नंबर ही होगा, और इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन नंबर होगा। जैसे कि आपका 2 का क्यूब कितना होगा, 8, 4 का क्यूब कितना होगा, 64, क्योंकि 4 into 4 into 4 ऐसे करके देख लो, ये तो होगा इवन का एग्जांपल। ऐसे ओड का सपोज करो 3 का क्यूब 27 हो गया। इसी टाइप से आपका 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, ओके। तो ओड नंबर का क्यूब हमेशा ओड आएगा और इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन नंबर आएगा। देखो 40 यहाँ पे था 4 का क्यूब 64 हो गया, ये 4 आपका इवन नंबर है, ये भी आपका इवन नंबर है, तो ये आपको समझ में आ गया ना। तो ये आपका एक तरह से बेसिक है एक्सरसाइज फर्स्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 4.1। उसमें आपको यही बताना है कि परफेक्ट क्यूब कौन सा है और परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट स्टार्ट, चेक करते हैं। ये आपका है 7 to 9, इसको हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। एक्सरसाइज आपकी 4.1 है, ओके, और डेट आज वही 7/7/20, ओके। तो 7 to 9 इसको हम डिवाइड दे रहे हैं कितने से, 9 से डिवाइड करके देख लो, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ओके, और 9 8 72 9 1 9, और 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो सबसे हम 9 से डिवाइड दे रहे हैं, 9 8 72 9 1 9, ओके। फिर से 9 से डिवाइड दे रहे हैं, 9 9 81, 9 से फिर डिवाइड दे रहे हैं, 9 1 9, ओके। ये हमने करा, इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं। अगर ये आपने ऐसे कर लिया,
तो ये आपके क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, 729 इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर से डिवाइड दिया, 3 8 24, 3 1 3, 3 से अगेन डिवाइड, 3 2 6, 3 7 21, और डिवाइड दो, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ओके, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर उसने बोला कि प्राइम फैक्टर इस मेथड से करना है, तो प्राइम फैक्टर इस मेथड कौन सा, ये है, तो 729, और ऑलवेज प्राइम फैक्टर इस मेथड से करना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमने करके बताया आपको कि ऐसे भी कर सकते हो, बट ये आपका रॉन्ग होगा। अगर आपको केवल यही चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आप ऐसे करोगे, तो हैबिट में डालो ऐसे करो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे, 3 3 के हम ब्लॉक बना लेंगे, तो ये 3 3 के हमने कर लिए। अब क्या करना है, अगर आपके 3 3 के यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ ये आपका परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पर लिखेंगे 729 इज अ परफेक्ट क्यूब, यहाँ पर लिख देंगे परफेक्ट क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया। इसी टाइप से 108, सबसे पहले डिवाइड दे रहे हैं हम 2 से, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, 2 5 10, 2 4 8, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4, 2 7 14, नाउ डिवाइडेड बाय 3, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब इसमें क्या हुआ, 108 इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये आ गया। एक पेयर तो बन गया, बट इसका पेयर का 3 का पेयर नहीं बन रहा है, एक कम है इसमें 2, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, परफेक्ट क्यूब, समझ में आ रहा है ना, नॉट परफेक्ट क्यूब। इसी टाइप से ये है आपका 1 7 2 8, इसको डिवाइड दो 2 से, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, नाउ अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 0, 2 8 16, 2 से डिवाइड दो, 2 5 10, 2 4 8। ओके, अब डिवाइड किससे दोगे, 2 से और दे दो, 2 2 4, 2 7 14, अब 3 से, 3 9 27, 3 3 9, ओके, 3 1 3। इस टाइप से यहाँ तक आ गए हम। इसमें पेयर देखो, ये बन रहा है ना, 3 3 के पेयर, 3 3 के पेयर बन रहे हैं, तो ये अभी आपका क्या होगा, 1 7 2 8 इक्वल्स टू 2 का क्यूब × 2 का क्यूब × 3 का क्यूब, ये पेयर बन गए 3 3 के पेयर। इट मीन्स आपका 1 7 2 8 इज परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ओके, परफेक्ट क्यूब है ये। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये आपका एज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपको सॉल्व करना है। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, ये भी क्वेश्चन है, इन्हें भी आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, नहीं आएगा फिर हम बताएंगे। ओके, कल इसका सॉल्यूशन भी भेजेंगे हम, और उसका मैच कर लेना आपको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।